सारी बातों को भूल जाओ, एक अंदर से आग जला लो कि हम डायरेक्ट सेलर हैं, कंपनी के पार्टनर हैं, मेंबर नहीं है। एक बात दिमाग में आ गई तो अपन इस बात के आगे बढ़ पड़ेंगे। भगवान कृष्ण छोटे थे, कृष्ण का कंस का वध करा उन्होंने, तो वासुदेव को चिंता हुई कि असुरों को मार रहा है, राक्षसों से लड़ रहा है, इसकी प्रवृत्ति भी ना ऐसी कहीं हो जाए। तो उसको शिक्षा दीक्षा के लिए भगवान गुरुवर संदीपन ऋषि के आश्रम में भेज देते हैं। कंस और बलराम, कृष्ण और बलराम संदीपन ऋषि के आश्रम में जाते हैं, आपके तो पड़ोसी हैं। संदीपन ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो कृष्ण पूछते हैं, कान्हा पूछते हैं गुरुवर से, गुरुवर आप कौन हो? तो गुरुवर बोलते हैं, आई एम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। तो कान्हा का अगला सवाल आता है, तो गुरुवर मैं कौन हूं? तो गुरुवर कहते हैं, तुम ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म हो। तो तीसरा सवाल कान्हा का, तो गुरुवर ये जगत क्या है? तो गुरुवर बोलते हैं, सर्वम जगतम ब्रह्म, सारा जगत ही ब्रह्म है। यानी क्या एनर्जी, ये जो ब्रह्म है, थोड़ा सा अलग बात करूंगा आपसे, यहां से अपन डायरेक्ट सेलिंग के टॉपिक पे पहुंचेंगे। एनर्जी हर जगह विद्यमान है दोस्तों, और जिस वक्त इस सत्र की आपकी उत्पत्ति हुई, उस वक्त जो एनर्जी थी, आज भी वही एनर्जी है। एनर्जी संरक्षण का सिद्धांत आपको मैंने बना हुआ, ना खत्म होती है ना उत्पन्न होती है, जो है जितनी है। मेरे माइक में जो एनर्जी है, स्टेबल में एनर्जी है, जो आपके पास एनर्जी है, वही आज एनर्जी है। उस एनर्जी को बरकरार रखना है। एनर्जी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपको तय करना है कैसी एनर्जी आपको अपने पास लेके आनी है। अब आप देखो, कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी के होते हैं, आपने घर में भी देखा होगा, फूफा, हेलो, ऐसी मुट्ठी देख लो, ऐसा मुंह होता है उनका। और उनसे कुछ भी पूछ लो ना, हो ही नहीं सकता। कैसी भी बात कर लो, फूफा जी ये हो सकता है क्या? ना बेटा, ये तो संभव नहीं है। हमेशा नेगेटिव एनर्जी, हमेशा